वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। आज हम 10th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में खट्टा मीठा कड़वा स्वाद वाला भोजन खाते हैं। खट्टा तथा कड़वा स्वाद अम्ल तथा क्षारक के कारण होता है। जब कभी परिवार के किसी सदस्य को अत्यधिक भोजन करने के कारण पेट में अम्लता होती है अर्थात जलन होती है तो उसे क्षारक से दूर करते हैं। हम उस अम्लता को एसिडिटी को दूर करने के लिए हम इनो आदि का यूज़ करते हैं जो एक एंट एसिड होते हैं। तो हमें अम्ल और क्षारक की अब विशेषताएँ देखनी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। अब क्षार की विशेषताएँ देखेंगे। क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं। माने जो स्वाद में खट्टे हैं वे अम्ल हैं, जो स्वाद में कसैले हैं छूने पर चिकने होते हैं वे क्षार होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे अम्ल हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे क्षार हैं, तथा अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी प्राकृतिक सूचक अर्थात इंडिकेटर होती है। कपड़े पर लगे दाल सब्जी आदि के दाग पर जब साबुन रगड़ते हैं तो दाग का रंग लाल भूरा हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि खाना खाते समय कपड़ों पर यदि सब्जी या दाल वगैरह गिर जाती है तो वहाँ पर यदि हम साबुन रगड़ते हैं साबुन लगाते हैं तो वो दाग का कलर लाल भूरा हो जाता है। तो घर के बड़े लोग कहते हैं कि पहले साबुन से ना धोकर सिंपल पानी से धो फिर साबुन लगाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो कि क्षार अर्थात साबुन के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग का कलर देती है। हल्दी और चूने को मिक्स करते हैं तो लाल रंग का पेस्ट बन जाता है। जब कभी सिर में चोट वगैरह लग जाती है अंदरूनी चोट जो लगती है तो उसके ऊपर हमारी दादी नानी बोलती हैं कि हल्दी चूने का पेस्ट लगा दो ताकि दर्द खींच जाए। तो जब हल्दी चूने का पेस्ट बनाया जाता है दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका रंग भी लाल हो जाता है क्योंकि चूना एक क्षारीय पदार्थ है और क्षारीय पदार्थ जब हल्दी में मिलाया जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। अब है अम्ल क्षारक की पहचान करने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक किन्हें कहेंगे? जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाएंगे उन्हें सूचक कहेंगे। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक व संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक वे होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी लाल पत्ता गोभी हाइड्रेंजिया पिटूनिया जेरानियम आदि। और संश्लेषित सूचक मतलब वे जिन्हें लैब में बनाया जाता है, जैसे मिथाइल ओरेंज फेनोफ्थिलीन आदि। रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। इन्हें गंधीय सूचक या ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। अब देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, माने जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वे देखेंगे हम अम्ल और क्षारक की। सबसे पहले देखेंगे अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया के दौरान धातु अम्लों में से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर देती है। जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हाइड्रोजन गैस के रूप में हो जाता है और लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल तथा धातु आपस में क्रिया करती है तो अम्ल प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ हम देखेंगे H2SO4 एक अम्ल है जो कि जिंक धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो ZnSO4 प्राप्त हो रहा है अर्थात जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। इसी प्रकार से सेकेंड है 2HCl प्लस Mg, तो MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई अर्थात अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। क्षारकों की धातुओं से क्रिया 2NaOH, NaOH एक क्षारक है, ये एक एक्वस फॉर्म में लिया और इसकी जिंक धातु से क्रिया कराई तो Na2ZnO2 बना सोडियम जिंकेट और H2 गैस विस्थापित हुई।
परंतु सभी धातुओं के साथ क्षारक इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं करते हैं, अर्थात सामान्यतः क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। सबसे पहले देखेंगे कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। जब धातुओं के साथ, जैसे यहाँ पर हमने लिया है सोडियम के साथ CO3 जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा? धातु कार्बोनेट। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? जब किसी धातु के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ जाता है तो वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है। मतलब सिर्फ कार्बोनेट जुड़ेगा तो धातु कार्बोनेट है, और HCO3 जुड़ जाएगा तो वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। दो परखनली लेते हैं, परखनलियों को ए व बी नाम से नामांकित कर देते हैं। परखनली ए में 0.5 ग्राम Na2CO3 अर्थात धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, माने सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, तथा परखनली बी में 0.5 ग्राम NaHCO3 अर्थात धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। दोनों परख नलियों में 2 ml तनु HCl मिलाते हैं। दोनों ही परख नलियों में उत्पादित गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, माने चूने के पानी अर्थात CaOH का होल ट्वाइस का विलयन, माने बुझे हुए चूने का विलयन में डालते हैं। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस जो क्रियाकलाप है या प्रयोग है, इससे ये समझ में आता है कि चूने का पानी यदि दूधिया हुआ है तो इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुई है। परखनली ए में कौन सी क्रिया होगी? क्योंकि वहाँ पर हमने Na2CO3 लिया था, तो Na2CO3 प्लस 2HCl, तो NaCl बना, H2O बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब परखनली बी में हमने लिया था NaHCO3 का सॉलिड फॉर्म में लिया था, और यहाँ पर हमने HCl एक्वस फॉर्म में डाला था, तो NaCl हमको मिला, पानी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित हुई। तो ये जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब हमने इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला तो वो विलयन चूना अर्थात चूने का पानी दूधिया हो जाता है। उत्पादित गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होगी, CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस, CaCO3 बना सॉलिड फॉर्म में और H2O। ये जो CaCO3 है यही संगमरमर का सूत्र भी होता है। CaCO3 में और अधिक मात्रा में जब हमने CO2 डाली तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर CaCO3 के विविध रूप है। मैंने अभी बताया जो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वही चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, इन सबका सूत्र भी यही होता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। माने जितने भी धातु कार्बोनेट होते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वे अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, तो जो अम्ल है उसका ही संगत लवण बनाएंगे। अम्ल के साथ क्रिया करके जो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका संगत लवण बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निष्कासित करेंगे। अब नेक्स्ट गुण के दौरान हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रियाएं। एक परख नली में 2 ml NaOH लेते हैं तथा उसमें 2 बूंदें फिनोफ्थिलीन विलयन की डालते हैं। विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। ये एक सूचक है कि जब किसी क्षारक में हम फिनोफ्थिलीन डालते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। अब इस विलयन में एक एक बूंदें तनु HCl की मिलाते हैं। अब विलयन धीरे धीरे हल्का गुलाबी होता है और फिर रंगहीन हो जाता है, तथा पुनः NaOH मिलाने पर गुलाबी हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले हमने क्या करा था? क्षार में फिनोफ्थिलीन की बूंदें डाली थी जिससे विलयन गुलाबी हो गया था, लेकिन जब हमने उसमें अम्ल डाला तो धीरे धीरे हल्का गुलाबी होकर जो अम्ल है, अम्ल के डालने से जो विलयन है वो रंगहीन हो गया, तो अम्ल ने क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर दिया। फिर हमने धीरे धीरे फिर से क्षारक डाला तो विलयन पुनः गुलाबी हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि क्षारक द्वारा अम्ल का अपेक्षित प्रभाव समाप्त कर दिया गया। यहाँ हम देखें, यदि शब्द समीकरण के रूप में अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाएंगे
और जल बनाएंगे। यहाँ देखें हमने HCl लिया है अम्ल और NaOH लिया है क्षारक, इनमें आपस में क्रिया करके NaCl लवण बनाया और H2O जल बनाया। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल बनाते हैं। क्षार तथा अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। CuO प्लस 2HCl, CuCl2 और H2O बना। धातु ऑक्साइड ने अम्ल से क्रिया करके संगत लवण बनाया और जल बनाए। इसी प्रकार से क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की विशेषताएं देखेंगे हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। यह अभिक्रिया क्षार तथा अम्लों के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान होती है, अतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। CaOH2 ये एक क्षार है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CaCO3 मतलब लवण और जल बनाता है। अब हमें ये देखना है कि अम्लों और क्षारकों के बीच में क्या कोई समानता होती है। अब हम देखेंगे अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं, ये हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त होते हैं, परंतु सभी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ अम्लीय नहीं होते। माने सभी अम्लों में तो हाइड्रोजन पाया जाएगा, लेकिन सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होते। अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होता है जो कि अम्लों के गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है। अम्लों को अम्लीय गुणधर्म देने के लिए H+ आयन उत्तरदायी होता है। अम्ल एक धनायन तथा एक ऋणायन से बने होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन में विद्युत का चालन हो जाता है। जैसे HCl में H+ आयन धनायन व Cl ऋणायन होता है। H2SO4 में H2+ आयन और SO4 निगेटिव आयन होते हैं। इसी प्रकार से क्षारकों में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे NaOH, CaOH का होल ट्वाइस पर आदि, परंतु क्षारक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन तो पाया जाता है लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता। क्षारकों में OH निगेटिव आयन पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। जब किसी अम्ल या क्षारक का जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। यहाँ हम अभिक्रिया देखेंगे तो इससे और अधिक हमको स्पष्ट हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको हमने जल में डाला तो इसने H3O+ आयन और क्लोराइड आयन बनाया। यहाँ पर H3O+ इसलिए बना क्योंकि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ या हाइड्रोक्सिल आयन बना लेते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, परंतु ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाए जाते हैं। अम्ल जल में H3O+ आयन या H+ आयन एक्वस प्रदान करता है। ये जल के साथ विलयन बनाता है, इसीलिए हम इसको H+ एक्वस बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्षारक जल में घुलने पर कौन सा आयन देता है। क्षारक जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। देखें NaOH सॉलिड फॉर्म में लिया, इसकी जल के साथ अभिक्रिया हुई तो Na+ आयन एक्वस और OH नेगेटिव आयन एक्वस हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखें KOH माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में लिया, इसकी जल के साथ अभिक्रिया हुई तो पोटेशियम प्लस आयन हमको मिला एक्वस फॉर्म में और OH नेगेटिव आयन एक्वस फॉर्म में मिला।
सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जितने भी क्षारक होते हैं वे जल में घुलनशील नहीं होते तथा जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार तो सबने सुना है, ऐसा ही एक वर्ड होता है क्षारक। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वे ही क्षार कहलाते हैं। अम्ल H+ एक्वस तथा क्षार OH- एक्वस आयन उत्पन्न करते हैं, अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया में अब जल का बनना अधिक स्पष्ट हो जाएगा। हमने ये तो जान लिया था पिछले अनुभाग में कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, हमको ये पता चल गया था, लेकिन जल किस प्रकार से बनेगा वो अब और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अम्ल तथा क्षारक लवण और जल बनाते हैं। मान लीजिए ये एच एक्स कोई अम्ल है और एम ओ एच कोई क्षारक है, क्योंकि यहाँ पर ओ एच है इसीलिए ये क्षारक है और यहाँ पर एच है इसलिए ये अम्ल है। तो संगत लवण क्या बन गया, एम एक्स, और जल का बनेगा अणु एच ओ एच। ये ओ एच और ये एच मिलकर एच ओ एच बनाते हैं। ठीक है, हम इसको और अधिक देखें स्पष्ट रूप से। तो एच प्लस यहाँ से बचा और ओ एच निगेटिव यहाँ से बचा तो एच टू ओ बना। तो जो हम अम्ल के साथ लवण और जल बनाते थे वो H2O कहाँ से आया वो हमको अब और अधिक स्पष्ट हो गया होगा।